अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक हफ्ते से दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ कि दोपहर के टाइम पे इनको जो है दो भुट्टे उसके तीन पीसेस करके, जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं तीन पीस हुए हुए, इसी तरीके से तीन पीस करके जो है मैं दो तीन बजे के टाइम पर डाल देता हूँ दोपहर के टाइम पर, और शाम तक जो है ये पूरा खा लेते हैं। मगरिब से पहले पहले पूरा ख़त्म हो जाता है भुट्टा। तीन चार दिन से जो है वो मैं कर रहा हूँ रेगुलर, क्योंकि आपको पता है बच्चे भी निकल गए, थोड़ा भुट्टा वुट्टा खाएँगे तो ज़रा सेहतमंद और जानदार बच्चे निकलेंगे इसमें से। और जो है दोस्तों मैं सुबह के टाइम पे नहीं डालता हूँ भुट्टा, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो सॉफ्ट फूड होता है वो लोग खा रहे होते हैं सॉफ्ट फूड सुबह के टाइम पे, और फिर जो है थोड़ा रिलैक्स करते हैं। फिर दोपहर के टाइम पे जो है वो मैं दो तीन बजे के दरमियान इनको जो है भुट्टा डाल, एक भुट्टा तो ये रहा दोस्तों, और एक है ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, फ्रिज में रखा हुआ था, इसको मैंने अभी निकाला है फ्रिज से, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है 15-20 मिनट बाहर धूप में रखता हूँ, ये थोड़ा सा जो है गर्म हो जाए, उसके बाद जो इसको भी मैं तोड़ के जो है उसमें डाल दूँगा। और दोस्तों थोड़ा सा जो है मैं कोशिश करूँगा कि इसके दाने निकाल के, सही है, थोड़ा सा उसको पीस के जो है मैं फिंच को डालता हूँ। ये जो मेरे पास फिंच के तीन पैर आप देख सकते हैं, तो ये मैं निकाल दे रहा हूँ दोस्तों दोनों। ये देखिए दोस्तों मैंने जो है वो डाल दिया है, एक दो नीचे उतरेंगे फिर जो है वो दोस्तों सारे नीचे आके खाने लग जाएंगे। और दोस्तों इसके जो है मैं कुछ दाने निकालता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया फिंच को थोड़ा पीस के दूंगा, तो मैं पहले इसके छिलके विलके निकाल लेता हूँ। ये देखें दोस्तों बिल्कुल जो है वो मसल दिया है इसे, थोड़ा सा इसको मैं ज़रा मिला लूँ, बिल्कुल बारीक बारीक हो गया डफ, तो इसको आराम से खा लेंगी और शौक़ से खाएंगी। और फिंच को मैं डाल के देखता हूँ खाती है या नहीं खाती, मेरे ख्याल से इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो तो खा ही लेंगी। ये मटकी के ऊपर का ढक्कन मैंने ले लिया है, सही है, इसके अंदर थोड़ा सा डाल के जो है वो फिंच को मैं इसमें दे देता हूँ, अगर इन्हें खाना होगा तो ये इसी में से ही चुग लेंगी। ट्राई करते हैं दोस्तों, वैसे मुझे कुछ आइडिया नहीं है खाएँगी या नहीं खाएँगी। मैंने बजरी को दे रहा था तो मैंने सोचा यार कि जो है इसको थोड़ा सा पीस के फिंच और डफ को भी दे देता हूँ, तो ये मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये लोग खाते नहीं खाते, सही है। अब ये वाली प्लेट जो है ये पूरी की पूरी मैं डाल दूंगा डफ की कॉलोनी में, सही है दोस्तों। थोड़ा सा जो है मैंने इसमें डाला है, ये देखें आप, और बड़े शौक से ये खा रहा है, ये देखें। और थोड़ा सा जो है वो दोस्तों मैंने भी खाया, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा सा, और तो मैं इसमें डालता हूँ दोस्तों डफ की कॉलोनी में। इसको थोड़ा सा हाई कर देता हूँ वरना ये गिरेगा। ये देखें दोस्तों डफ को भी डाल दिया मैंने, उम्मीद है थोड़ा सा मैं दूर जाऊंगा तो ये करीब आके खाने लगेंगी। ये देखें ये आ रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो ये देखें दोस्तों एक मादी आके खाने लग गई है। ये देखें आप दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, अब थोड़े टाइम बाद जो है 10-15 मिनट बाद डफ जो है वो आके खाने लग गई हैं। ये देखें दोस्तों बजरी किस तरीके से शौक़ से खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। तो दोस्तों मैं 2 घंटे होगा इनको जो है भुट्टा डाले हुए, तो मैं अब देखता हूँ कि किसमें जो है कितना खा लिया है। आपको मैं बजरी की कॉलोनी में दिखाता हूँ, ये देखें आप, एक जो वो प्याले में पड़ा हुआ है वो तो मेरे ख्याल से आधा ये लोग खा चुके हैं, और इधर जो पड़ा हुआ है इसका भी अच्छा खासा हिस्सा ये लोग खा चुके हैं, आप देख सकते हैं, और अभी भी जो है ये लोग खा रहे हैं। और डफ का दिखाता हूँ दोस्तों, डफ ने भी देखें काफ़ी सारा खा लिया है, आप देख सकते हैं, खाली बड़े बड़े जो दाने थे वो छोड़ दिए, और बाकी जो बारीक बारीक जो मैं बिल्कुल मसल के दिया था वो इन्होंने खा लिया है। तो डफ ने भी तकरीबन पूरा खा लिया है, अब वो उन्होंने छोड़ दिया, और मैंने फिंच को डाला था दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कुछ दाने बाहर गिरे हुए हैं, फिंच ने भी थोड़ा बहुत इसमें जो है चोंच वोच मारा है मेरे ख्याल से, और बड़े दाने इसमें भी रह गए मेरे ख्याल से, छोटे दाने सारे इन्होंने खा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, सही है दोस्तों। तो बस यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।